इंडियन ओशन में बसे एक छोटे से अफ्रीकन आइलैंड नेशन मॉरिशस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल मॉर्निंग मॉन्ग पे। एक नई सीरीज शुरू हो गई है मॉरिशस के ऊपर। इस पूरी सीरीज में आपको बताता रहूंगा कि क्या क्या देखना है मॉरिशस में, कैसे देखना है, कहां रुकना है, कितना खर्चा होता है। और अगर आप मॉरिशस का ट्रिप प्लान करें तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और नहीं भी करें चिंता की बात नहीं है, पूरी की पूरी सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि मॉरिशस दिखता कैसे है। तो मेरे कैमरे के लेंस और आपकी डिवाइस की स्क्रीन से आप मॉरिशस को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरा एयर मॉरिशस का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वीज़ा की क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, सिम कार्ड कैसे मिलता है, कितने का मिलता है, यहाँ पे एटीएम विड्रॉल का क्या सीन है, कितना खर्चा होता है, किस कार्ड से निकालना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए, पूरा मॉरिशस एक्सप्लोर कैसे करेंगे, क्या कार रेंटल लेना चाहिए, टैक्सी लेनी चाहिए, कार हायर करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमना चाहिए। तो चलिए मैं आपको वापस लेके चलता हूँ मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल और वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अपनी जर्नी मॉरिशस की। मुंबई एयरपोर्ट पर दिवाली में जो सजावट हुई थी अभी भी चल रही है, क्रिसमस और न्यू ईयर में भी सेम ही सजावट से काम चला लिया जाएगा। काफ़ी सुंदर सजावट है अभी यहाँ पर। और पीछे हमारे हैं चेक इन काउंटर, चेक इन बहुत आराम से हो गया, कोई भी मेरे आगे नहीं था, सिर्फ मेरा पासपोर्ट लिया और पूछा किस लिए जा रहे हैं और आपके पास होटल बुकिंग है कि नहीं। मैंने सिर्फ पहले दो दिनों की होटल बुकिंग दिखाई और मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल गया, बोर्डिंग गेट मिल गया। अब चलते हैं हम लोग बोर्डिंग गेट की तरफ। अभी तक थंबनेल टाइटल और मेरे इंट्रो ने चीख चीख के आप लोगों को बताई दिया होगा कि मैं जा रहा हूँ मॉरिशस जा रहा हूँ। उसकी वजह भी आप ही लोग हैं। मैंने एक छोटा सा पोल कराया था अपने चैनल पे, उस पोल में करीब 250 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और वोट किया था कि मुझे मॉरिशस जाना चाहिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मॉरिशस जाऊँगा। आज है 30 और 1 तारीख के बीच की रात और मेरी फ़्लाइट है थोड़ी देर में एयर मॉरिशस की, 3:45 बजे यहाँ से डिपार्चर है और लोकल टाइम मॉरिशस में पहुँचती है 7:15 बजे। अगर मैं सच बताऊँ तो ये फ़्लाइट बहुत ही महंगी है, इतनी महंगी फ़्लाइट आज तक मैंने नहीं ली थी। और मॉरिशस सच में बहुत ही महंगा डेस्टिनेशन है सिर्फ फ़्लाइट के बेसिस पे ही। फ़्लाइट के अलावा बाकी चीज़ें कितनी महंगी हैं, कितनी सस्ती हैं, वो आपको इस पूरे सीरीज में पता लग ही जाएगा। लेकिन फ़्लाइट जो मुझे पड़ी वो थी 55,000 रुपये की टू एंड फ्रो, यानी कि रिटर्न टिकट। मैंने हालाँकि प्लान भी 20 दिन पहले ही बनाया था। एयर मॉरिशस का मैं फेयर ट्रैक कर रहा था लगभग 6 महीने से, तो लगभग यही फेयर चलता है। अगर कोई पीक टाइम चल रहा है उस समय फेयर थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन यूजुअली 55,000-56,000 के आसपास ही रिटर्न टिकट पड़ती है। इतनी महंगी फ़्लाइट है, लेकिन एक चीज़ मैंने और नोटिस की कि बिज़नेस क्लास इतनी लंबी ट्रिप के लिए शायद सबसे सस्ता इनका ही है। 55,000 की इकोनॉमी थी और लगभग 1,00,000 रुपये की बिज़नेस क्लास की टिकट थी। तो अगर आप बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है बिज़नेस क्लास इन्जॉय करने का। और दूसरी एक चीज़ मैंने नोटिस की कि कनेक्टिविटी के मामले में इंडिया के बाकी सिटी से मॉरिशस कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ मुंबई से है। तो अगर आपको किसी और सिटी से मॉरिशस जाना है तो आपको या वाया मुंबई जाना पड़ेगा या वाया दुबई जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई और रास्ता पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मुझे। एक टिप है, यहाँ पे आप पैसे बचा सकते हैं अगर आप एयर शेसल्स की फ़्लाइट यूज़ करें। गूगल फ्लाइट्स में जाके फ़्लाइट प्राइस ट्रैकिंग ऑप्शन चूज़ करेंगे, एयर शेसल्स की कई बार डील आती है जिसमें आपको 40,000 में रिटर्न टिकट मिल जाता है मॉरिशस का वाया शेसल्स। उस केस में आप मल्टी सिटी टिकट ऑप्शन चूज़ करेंगे तो सेशल्स भी अगर आपके पास टाइम है और बजट है तो वो भी आप मॉरिशस के साथ क्लब करके दो कंट्री का एक ट्रिप बना सकते हैं। तो ये जो आप लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया उसके लिए आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। इस तरह के पोल्स में आप लोगों के पार्टिसिपेशन से पता चलता है कि आप लोग मेरे चैनल से कितने कनेक्टेड हैं। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए, पोल्स में पार्टिसिपेट करते रहिए। मुझे अगर कहीं पे भी कोई डाउट है आप लोगों से सजेशन मांगो तो सजेशन देते रहिए। अगर आप लोगों को किसी सजेशन की ज़रूरत होती है, कुछ टिप्स की ज़रूरत होती है, मैं अपने कमेंट्स में बताई देता हूँ जो वीडियोस में पोस्ट करता हूँ उसके थ्रू। सिक्योरिटी हमारे जैसे ट्रैवल फिल्म मेकर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। पूरा का पूरा सारा का सामान आपको लेआउट करना पड़ता, निकाल के ट्रे पे रखना पड़ता, वापस से पैक करना पड़ता, बहुत पेन है सच में बताऊँ तो। और उसके बाद इमिग्रेशन बहुत सिंपल था, बस पूछा कि किस लिए जा रहे, मैंने बताया टूरिज्म के लिए, ओके टाटा बाय बाय। लेग रूम डिसेंट है बस इसमें,
और ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम, कुछ 7-8 इंच की स्क्रीन होगी। और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम का मजा लेने के लिए 2 पिन वाला हेडफोन दिया है। और साथ में दिया है पिलो और ब्लैंकेट। फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद फिर मैं सर्च लिया कि ये पानी का बॉटल भी और ये कुछ किट है, बोल के देखता हूँ इसमें क्या है। ये जो किट दिया गया इसके अंदर था हीट आई मास्क, ये सॉक्स, ईयर प्लग्स, एक पेन और डेंटल किट। रात के बज रहे हैं 3:30, रात के हैं सुबह के, और अभी ये रिफ्रेशमेंट सर्व किया गया है कुछ वेजिटेरियन ऑफ टाइम का। साथ में मैंने लिया स्प्राइट, अगर आप अल्कोहल के शौकीन हो तो अल्कोहल भी सर्व किया जाता है। इंडिया के टाइम के सबसे बच गए 8:15 और आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। काफ़ी कुछ सर्व किया वेजिटेरियन ऑप्शन मैंने बोला था ना, कट फ्रूट्स है, कॉफी है, कॉफी जूस, इसके अंदर भी कुछ कटलेट डोसा टाइप का कुछ, और ये ब्रेड बटर बर्गर। मॉरिशस में आपका स्वागत है। मॉरिशस के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है सर शिव सागर राम गुलाम, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट मॉरिशस के, और उसके पहले ब्रिटिश रूल में वो सीएम भी थे। छोटा सा एयरपोर्ट है, अभी चलते हैं, इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, वीज़ा लेते हैं, फिर निकलते हैं बाहर। जैसे कि ये एरिया पासपोर्ट कंट्रोल का, यहीं से आपको वीज़ा मिलेगा और आप एयरपोर्ट छोड़ के बाहर निकल सकते हैं। अगर इस एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वीज़ा की बात की जाए तो प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। टाइम लगे थोड़े ज़्यादा, 1/2 घंटा के आसपास लगा, लेकिन कुछ ज़्यादा सवाल जवाब नहीं। पासपोर्ट लिया, एक ऑल इन वन फॉर्म है जो कि आप फिल करके आ सकते हैं, प्रिंट आउट लेके दोनों चीज़ें चेक करते हैं, आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प लगा के बाहर भेजेंगे। और पासपोर्ट कंट्रोल से जब आप बाहर निकलेंगे तो एक हेल्थ कंट्रोल है, हेल्थ कंट्रोल में आपको वापस से स्कैन करवाना होगा जो ऑल इन वन फॉर्म आपने भर रखा है। उसके बाद आप बाहर बैगेज बेल्ट पे, और मैं जैसे बाहर आया मेरा बैग पहले से यहाँ पहुँच चुका, तो मैंने बैग कलेक्ट कर लिया। फ़्लाइट काफ़ी अच्छी थी, पिछला जो मैंने ट्रैवल किया था वियतनाम का वियतजेट से, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इकनॉमी भी बिजनेस क्लास है। और जो मील सर्व किए गए वो भी ठीक ठाक से थे, ब्रेकफास्ट ओके सर, जैसा आप फ़्लाइट में एक्सपेक्ट कर सकते। और आपको 3:30 बजे जो रिफ्रेशमेंट सर्व किया गया था वो भी अच्छा ही था, बुरा नहीं कहूँगा। जब आप मॉरिशस लैंड करेंगे उससे 7-8-10 मिनट पहले, तो राइट साइड में आपको पूरा आइलैंड दिखाई देगा, बहुत ही सुंदर व्यूज़ है। मॉरिशस में चलता है मॉरिशियन रुपया। जब आप किसी भी नए देश में जाते हैं तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है करेंसी की। एक तरीका होता है कि आप अपनी लोकल करेंसी एक्सचेंज कीजिए, या US डॉलर यूरो एक्सचेंज कीजिए, या फिर ATM से विड्रॉ कीजिए। यहाँ पे कैसे प्राइसेस ये दे रहे हैं, एक्सचेंज रेट्स क्या दे रहे हैं, वो मैं आपको देख के बताता हूँ। ATM पे कैसे रेट मिल रहे हैं वो मैं आगे विड्रॉ करके बताता हूँ। गूगल के हिसाब से जो USD से मॉरिशियन रुपये का वैल्यू है वो है 44, और यहाँ पे जो रेट मिला वो है 43.1 मॉरिशियन रुपया। इंडियन करेंसी की वैल्यू बहुत ग्रेट नहीं मिल रही है, सिर्फ 0.45 मिल रही है, जबकि गूगल के हिसाब से इसका रेट है 0.54। और डिजिटल एज में करेंसी के बाद जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इस कंट्री का लोकल सिम कार्ड। तो पीछे एक टेलीकॉम की शॉप है, यहाँ रेट्स पता करता हूँ कैसे हैं। बाहर जैसे आप एयरपोर्ट से निकलेंगे तो यहाँ पे एक काउंटर है MTEL का, MTEL के काउंटर पे आप आएंगे, जो अंदर रेट्स हैं उससे थोड़ा सा कम है, 500 रुपये लेते हैं, 500 मॉरिशियन रुपये, जिसमें 3GB 4GB डेटा आपको मिलता है, कुछ ऐसे मैसेज हैं, कुछ वैल्यू है कॉल करने के लिए। फ़िलहाल मैं सिम कार्ड यहाँ से ले रहा हूँ, इनको चाहिए कैश, कैश निकालने के लिए मुझे जाना पड़ेगा ATM पे। यहाँ पीछे मैंने MCB के ATM से विड्रॉ करने की कोशिश की न्यू कार्ड यूज़ करके, न्यू कार्ड में पिन मैं गलत डाल रहा हूँ बार बार, और पिन यहाँ रीसेट नहीं हो पा रहा क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा, सिम कार्ड नहीं मेरे पास। तो एक्सिस बैंक का मैंने डेबिट कार्ड यूज़ किया, जो विड्रॉ किया 5,000 मॉरिशियन रुपया, और मेरे अकाउंट से कटे 9,704 रुपीज़। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि पर मॉरिशियन रुपया कितना खर्चा हुआ।
और अंदर जो मैंने करेंसी एक्सचेंज के रेट देखे उससे मुझे समझ में आया कि इंडियन करेंसी एक्सचेंज मत कीजिए, USD लेके आइए, उसको करेंसी एक्सचेंज कीजिए, बेटर वैल्यू मिलेगा। सिम कार्ड हो गया, करेंसी हो गई, अब बारी है घूमने का इंतज़ाम करने की, यानी कि अपनी कार रेंट पे लेने की। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं यहाँ पे घूमने के, पर सबसे कन्वीनियंट है कार रेंटल ही। तो अभी मैं फ़िलहाल कार रेंटल मैंने ऑनलाइन बुक कर रखा है discovercars.com नाम की वेबसाइट से, और अभी मैं जा रहा हूँ जो कार रेंटल कंपनी है उसके काउंटर पे, उसका नाम है मौरी कनेक्ट। देखता हूँ वहाँ क्या क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, आपको भी दिखाता हूँ। अराइवल हॉल से बाहर जैसे निकलेंगे बहुत सारे आपको कार रेंटल की कंपनियों के काउंटर मिल जाएंगे एक बिल्डिंग के अंदर ही। आप यहाँ आके भी बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन यूजुअली प्राइसेज थोड़े से बेटर मिलते हैं आपको ऑफलाइन के। अभी काउंटर पे जो भाई साहब हैं थोड़े बिजी हैं, तो तब तक मैं आपको बता देता हूँ ये जो मैंने बुक की है गाड़ी 7 दिनों के लिए, 7 के 8 दिनों के, 1 से 8 तक। टोटल जो खर्चा है 18,000 रुपये का, लगभग 2200-2300 रुपये पर डे का है कॉस्ट। ऑटोमेटिक कार है, कौन सी कार देंगे इनके ऊपर डिपेंड करता है, जब मिलेगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। बट इससे सस्ता तरीका मॉरिशस घूमने का मेरे ख्याल से एक ही है, वो है बाइक। पर डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है, एक एक दिन में आपको 100-100 किलोमीटर तक गाड़ी चलानी हो सकती है, तो बाइक बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होगी अगर आप पूरा आइलैंड एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बेस्ट ऑप्शन कार रेंटल, टैक्सी हायर, कार चार्टर बहुत महंगे हैं। एक एक दिन का अगर आप कार चार्टर करेंगे तो 5,000-6,000-7,000, टूर्स का भी वैसे ही हालत है। कोई भी कार आप लीजिए कहीं पर भी रेंटल में, तो सबसे पहले आप स्क्रैचेस चेक कर लीजिए। हालांकि मुझे अभी स्क्रैचेस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो फुल इंश्योरेंस वाला एक प्लान ले लिया है, 4,000 एक्स्ट्रा इन्होंने मुझसे चार्ज किया है। और कोई भी स्क्रैच होगा तो मुझे सिर्फ इन्फॉर्म करना है, कॉस्ट कोई एडिशनल नहीं होगी। आप लेना चाहें ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। पर आलोक जी थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पर डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटा सा भी स्क्रैच लगेगा तो कम से कम 100 यूरो आपके चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोच समझ के वो 4,000 मॉरिशियन रुपये एक्स्ट्रा खर्चा किया प्रोटेक्शन लेने के लिए। जब आप गाड़ी अकेले चला रहे हो तो आपको बहुत सारे प्रपंच करने पड़ते हैं, खुद से कैमरा कैसे संभालना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अनुर चिक के साथ में तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन ही नहीं होती है। फिलहाल मैंने गाड़ी ले ली है, ठीक ही दिख रही है, बहुत ग्रेट कंडीशन में नहीं बोलूँगा, चलने के बाद कैसी हो तो पता चलेगा। 66,000 ऑलरेडी चल चुकी है, मेरे ख्याल से कम 4 से 5 साल पुरानी हुई है गाड़ी। टोयोटा विट्स है, रेंटल और इंश्योरेंस मैंने आपको बता ही दिया था। तो अभी यहाँ से चलता हूँ, एक गेस्ट हाउस मैंने बुक किया क्योंकि अभी सुबह के 9:30 बज गए हैं, 7:15 बजे लैंड किया था, 2.5 घंटे लग गए लगभग ये सारी चीज़ें करते करते, रेंटल, सिम कार्ड, करेंसी। तो अभी निकलता हूँ, उस गेस्ट हाउस पर जाता हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर निकलूँगा मॉरिशस एक्सप्लोर करने। बजरंगबली का नाम लेकर निकालते हैं हम लोग गाड़ी बाहर होटल की तरफ। दोस्तों मैं एयरपोर्ट से अपने टाइम पास वाले होटल पहुंच गया, टाइम पास वाले होटल के वो अगले वीडियो में बताऊंगा। जब तक अगला वीडियो लेके आऊँ तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरा वियतनाम के प्लेलिस्ट को बिंज वॉच कीजिए, काफ़ी मज़ा आएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट मॉरिशस व्लॉग, बाय फॉर नाउ।